एक सिमुलेटेड रैंक के बारे में सतनाम सर आप लेने ही वाले होंगे, सो आई थॉट हम पहले ही ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल में हम एक सिमुलेटेड रैंक का भी एक प्रोविजन हमने बनाया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक, जो हमारी 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त को आपको अपनी कोर स्पेसिफिक रैंक दिखेगी, जो अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी, तो आपको पर दिख वो जाएगा। फाइनल नहीं होगी ना हाँ, वो ऑफ कोर्स फाइनल। फाइनल नहीं है, सिमुलेटेड मतलब जितना डेटा हमारे पास उस दिन आया हुआ है, 9 अगस्त तक आया होगा जब हम प्रेफरेंसेस बंद करेंगे, तो उसके आधार पर बच्चों आप सबको आपकी रैंक दिखेगी उस सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस चेंज का एक प्रोविजन दे रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐड करे, कोई डिलीट करे अपनी प्रेफरेंसेस, कोई कोई प्रोग्राम ऐड करे, कुछ डिलीट करे, तो फिर हम आपकी फाइनल रैंक पे जाएंगे। ये सिमुलेटेड रैंक जो है, ये कई बार हमारे पास सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है, तो ये इसलिए कि आपको उस समय एक अंदाजा मिल जाए, एक प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि क्या आपकी रैंकिंग है। बट डेफिनेटली एज सर सेड एंड आई एग्री, दिस इज नॉट फाइनल, इट इज सब्जेक्ट टू रिविजन, बिकॉज आफ्टर दैट ऑल्सो वी विल ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर 2 डेज और 1 डे टू रीशफल योर प्रेफरेंसेज, टू रीऑर्डर, टू एड एंड डिलीट। वंस दैट क्लोजेस, देन ऑफ कोर्स इट विल बी योर फाइनल रैंकिंग। तो सिमिलरिटी रैंक आपको एक पूरा एक बस अंदाजा देता है, प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। जैसे अभी आपने ये सवाल पूछा था कि बच्चे कहते हैं मेरा ये स्कोर में तो कहीं आएगा ही नहीं, तो उससे थोड़ा अंदाजा आपको वहां भी लगता है कि मेरा ये स्कोर है, मैंने ये प्रोग्राम भरा है और मेरी रैंक क्या आई है। आप बच्चे तो मतलब पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है, वीओआई से पूरी सीट देख लेते हैं, फिर अपनी रैंक देख लेते हैं, पूरा हिसाब लगा के आ जाते हैं, सर मेरा तो यहाँ आएगा नहीं, मेरा तो यहाँ आ जाएगा। सो सिमुलेटेड रैंक काफी हेल्प करेगी आपको और उसके हिसाब से आप ऑल्टर करें। और एक चीज का और बिल्कुल ध्यान रखें, जो प्रोग्राम आपको नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर है, उसको ना डालें लिस्ट में, क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरे को तो इस प्रोग्राम में मिल गया, मुझे तो ये पढ़ना नहीं है, तो करेक्ट, वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी उस हाँ समय उसको हटाने की। हाँ तो एडिशन और डिलीशन नहीं रहेगा, सिर्फ आप रीशफलिंग कर पाएंगे, तो वो मत करिएगा। जिस प्रोग्राम में जैसे सर कह रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते, तो मत करिएगा। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जैसे अपग्रेड बटन में जब हम अपनी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपग्रेड करने से जो हमारे पास सीट ऑलरेडी होगी, क्या वो सीट हमारे हाथ से चली जाएगी जब हम अपग्रेड प्रेस कर देते हैं? जी, अगर आपने अपग्रेड दबाया है तो इसका मतलब है जो प्रीवियस एलोकेशन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और आप हमसे हमें कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो आगे के ऊपर की प्रेफरेंस है वो हमें अलॉट कर दीजिए, तो नेचुरली हम आपको आपकी, जब आप अपग्रेड दबाएंगे और अगर आपके ऊपर की लिस्ट में अगर आप जा पा रहे होंगे आपकी मेरिट और मार्क्स के आधार पर, हम आपको ले जाएंगे, पुरानी सीट आपकी फिर हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। चॉइस नहीं रहेगी फिर चॉइस आपकी। नहीं रहेगी कि आप कहेंगे कि आप पुरानी भी रखें और आगे की भी रखें, तो आपने अगर अपग्रेड दबाया है इसका मतलब। हाँ, इसके साथ में एक सतनाम सर आप वो फ्रीज वाला भी बता देते हैं, अगर आपने फ्रीज दबा दिया इसका मतलब फिर आपको ना ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे, ना किसी और कॉलेज में ना किसी प्रोग्राम में। फ्रीज का मतलब है यू आर हैप्पी, नो मूवमेंट एनी वेयर इन द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे। फ्रीज का मतलब है आपकी फाइनल एलोकेशन, आप खुश हैं और आपने उसको फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात आती है विड्रॉ की। विड्रॉ का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अगर 1,000 रुपए लेकर विड्रॉ करेंगे, मतलब विड्रॉल का हमारे 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी है, अगर आपको सीट मिल गई, आपने पैसे दे दिए, आपने विड्रॉ दबा दिया, तो विड्रॉ को भी हम रिवोक नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल का मतलब है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन छोड़ना चाहते तो सबसिक्वेंट राउंड में उसका कोई चांस नहीं है, उसे कोई दोबारा हैं। सीट एलोकेट नहीं होगी किसी भी रेगुलर तरीके। राउंड्स में तो नहीं है, अगर रूल्स कुछ चेंज हो गए तो वो अपडेट हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, किसी रेगुलर राउंड में फिर आप नहीं आ पाएंगे। एंड बाकी अगर आप लोगों को प्रेफरेंस सीट से रिलेटेड कोई भी डाउट होती है, तो ड्यूबडी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहले ऑप्शन को यूज करके आप खुद से प्रेफरेंस सीट बना सकते हैं, जहां पे जिस कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी रैंक वाइज, जिसको आप अपने प्रेफरेंस सीट में खुद से मिक्स करके भर सकते हैं अगर आपको उतना अनुभव है, उतनी नॉलेज है। तो दूसरा ऑप्शन है पर्सनल काउंसलिंग का, जिसमें वन ऑन वन आप बैठे हैं गूगल मीट पे, इधर हमारे जो टीम है वो बैठी होगी, वो आपके साथ कनेक्ट करेगी। आपको फ्यूचर में यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, एमबीए करना है, मास्टर्स करना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, घर वाले क्या बोलते हैं, कौन से कोर्सेज को कहाँ पे रखना चाहिए, वो सारी टेंशन हमारी टीम आप लोगों के लिए जो है हैंडल कर रही होगी। आप अपने इंटरेस्ट बताएंगे, उस वे में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट करने में आपकी जो है टीम हेल्प कर रही होगी। तो वो पर्सनल काउंसलिंग का ऑप्शन होगा। दोनों ऑप्शंस आपको ड्यूबडी ऐप पे मिलने वाले हैं, तो ऐप को डाउनलोड करो, जाकर के यूज करो।
एंड आई थिंक बहुत सारे लोग बोलेंगे काउंसलिंग सेशंस काउंसलिंग सेशंस, वो एक ग्रुप सेशन लेंगे जिसमें 200-300 बच्चों को भरेंगे, खत्म, फिर उसके बाद वो कभी नहीं मिलेंगे आपसे। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम 1-on-1 बच्चे को जो है हेल्प प्रोवाइड करें। तो अगर आप देख लो ग्रुप वाला चाहिए 1-on-1 चाहिए, प्राइस दोनों के, मतलब हमारा पर्सनल काउंसलिंग का प्राइस कम मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्रुप काउंसलिंग, चेक कर लेना आप, कंपेयर कर लेना, बी द स्मार्ट बायर, नोट कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या फिर वो जो बोल रहे हैं वो सही है।